आर वॉचिंग गली न्यूज। आज बॉम्बे हाईकोर्ट के पास है त्योनार कब्रस्तान के बाजू की जो एक लैंड थी जिसको सेमेट्री या कब्रस्तान के लिए रिजर्व किया गया था, वो मैटर एक पीआईएल फाइल गई। आपको बता दें कि हर एक मुसलमान को ये न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि बिल्डर जो है मौका देख के मगरमच्छ की तरह हर जगह को कब्जा करने की सोचता है, मगर ये मामला है जब एक लैंड, जब एक गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो शिवसेना की हो, चाहे वो किसी की भी हो, जब गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आप ये लैंड पे, यहाँ पर आप एक कब्रस्तान बनाइए, आप ये यहाँ पे सेमेट्री बनाइए, वहाँ पर एक मुस्लिम बिल्डर जिसका नाम है स्टार बिल्डर्स एंड डेवलपर, वो भी एक मुस्लिम बिल्डर है, वहाँ पर वो कब्रस्तान को छोड़ के एक जो है SRA प्रोजेक्ट, यानी जो है झोपड़पट्टियों को हटा के एक टावर का प्रोजेक्ट डाल देता है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये PIL के सब लोग हैं। इन्होंने पिछले कई सालों से जो इसके पीछे पड़े और एक कुछ दिनों पहले एक कामयाब ऑर्डर लाया। बात करते हैं एडवोकेट अफ्ताब साहब से। अफ्ताब साहब, इस PIL के बारे में बताएं कि व्हाट वाज द PIL फॉर? PIL वाज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग सेमेट्री। जी हाँ, PIL का जो पर्पस था वो बेसिकली ये था कि जो रिजर्वेशन ऑलरेडी था DP में 1991 में, उसको बरकरार रखते हुए हमको सिमेट्री की जगह लेनी थी। तो ये PIL हमने इसलिए पुटअप किया था कि वहाँ पे जो प्रपोज़ल डाला था स्टेट गवर्नमेंट ने, वो ये डाला था कि यहाँ पे सिमेट्री का जो रिजर्वेशन है वो डिलीट कर दिया जाए और वहाँ पे रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट के लिए रिजर्वेशन चेंज कर दिया जाए। सिंपल आदमियों की लैंग्वेज में कि कब्रस्तान के बाजू की जगह जो गवर्नमेंट ने बोला कि आप बढ़ा सकते हो कब्रस्तान, क्योंकि गोंडी वगैरह में कब्रस्तान की बहुत कमी है मुस्लिम पॉपुलेशन, तो वहाँ पर बिल्डर ने उस लैंड पे जो है कब्रस्तान के प्रपोजल के बदले बिल्डिंग का प्रपोजल डाला। उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे कब्रस्तान जो था रिजर्वेशन था, सिमेट्री का रिजर्वेशन था, लेकिन वहाँ पे जो SRA स्कीम जो पुटअप की गई है कानून के हिसाब से, वहाँ पे पुटअप करने के बाद में स्कीम 65% जो है लैंड वहाँ पे स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम हो सकती है और 35% जो लैंड है वहाँ पे कब्रस्तान के लिए रिजर्वेशन रखा जा सकता था। तो अकॉर्डिंगली वो प्लान पुटअप हुआ, SRA के पास प्रपोजल पुटअप हुआ और अकॉर्डिंगली 35% जो लैंड है 2264 स्क्वायर फीट वो सिमेट्री के लिए रिजर्वेशन होनी थी, वो एक पार्ट ऑफ लैंड है। उसके अलावा जो लैंड है दूसरा, जो दूसरा चंक ऑफ लैंड है वो है 2977 स्क्वायर मीटर। ये दूसरा जो चंक ऑफ लैंड है वहाँ पे म्यूनसिपल ट्रांजिट कैंप रहा करता था, जो कि अभी कॉरपोरेशन ने पूरी तरह वहाँ पे डेमोलिशन कर दिया है। उन्होंने वो किया था? जी हाँ, नहीं उन्होंने नहीं किया था, यहाँ पे म्यूनसिपल ट्रांजिट कैंप थे और म्यूनसिपल ट्रांजिट कैंप कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था और वो म्यूनसिपल ट्रांजिट कैंप अब डिमोलिशन कर दिया गया और वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ SRA स्कीम नहीं था। तो मैं आपको डो टू बताता हूँ। नंबर वन, 2264 स्क्वायर मीटर जो जगह है वो है SRA स्कीम से कार्वड आउट एंड जो सिमेट्री के लिए दी जाएगी और नोटिफिकेशन द्वारा दी गई है। और दूसरा जो चंक ऑफ लैंड है 2977 स्क्वायर मीटर है, वो ट्रांजिट कैम्प जहाँ पे था वो वाली लैंड है। तो दोनों को मिला करके 5242 स्क्वायर मीटर की लैंड है बाय स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 15 मार्च 2024 के द्वारा सिमेट्री के लिए सैंक्शन किया गया, रिजर्व किया गया है। अभी रिसेंटली हुआ है, जिसके बारे में अभी हमको रिसेंटली पता चला है। तो ये जो है 5242 जो स्क्वायर मीटर लैंड है, इट कम्स अराउंड 55,000 स्क्वायर फीट की लैंड है कब्रिस्तान के लिए मुहैया कराई गई है। तो ये तो आप लोग के PIL के बाद हुआ ना सर, तो कोर्ट का क्या डायरेक्टिव था, सुप्रीम कोर्ट कैसे गया मैटर, तो वो जानना चाहते हैं। देखिए, जब ये मैटर बताइए, सबसे पहले जो हमारा मेन बेसिक जो मुद्दा था वो राइट टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड बरियल का मुद्दा था, क्योंकि जो देवनार सिमेट्री थी और रफीनगर सिमेट्री थी वहाँ पे बिकॉज अनडीकम्पोज बॉडीज जो आ रही थी उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी कि वहाँ पे दोबारा जो तदफीन होने वाला मामला है वो नहीं हो पा रहा था और तदफीन करने के वक्त वहाँ पे कच्ची डेड बॉडीज निकल रही थी। सो दिस वॉज द मैटर ऑफ राइट टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड बरियल, इसीलिए हमने मामला मेंशन किया ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के पास पे। PIL फाइल तो ऑलरेडी थी क्योंकि हमको एडिशनल लैंड की ज़रूरत तो थी ही, और जब हमने मामला जब मेंशन किया तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, इसका कॉग्निजेंस लेते हुए ये जो जगह है म्यूनसिपल ट्रांजिट कैंप प्लस SRA स्कीम वाली जगह है उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया 10 नवंबर 2023 को कि ये जो दो जगह है जो SRA से निकली हुई कार्व आउट की हुई और प्लस ट्रांजिट कैंप की जगह प्रपोजल भेजा जाए कॉरपोरेशन के थ्रू, MCGM के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो भी इसका एक्सपीडिशियसली जल्द से जल्द जो रिजर्वेशन का जो है जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा करके उसको रिजर्वेशन के लिए किया जाए। नाउ फाइनली क्या होता है, जब ये ऑर्डर पास होता है तो उसके बाद में इसमें इंटरवेंशन आता है सोसाइटी का, इंटरवेंशन फाइल करती है सोसाइटी,
कोर्ट कहती है कि नहीं, अगर आप हैं पार्टी तो आपको सुना जाएगा, कोई बात नहीं, जब आपकी ज़रूरत रहेगी तब आपको सुना जाएगा। लेकिन सोसाइटी ने इस ऑर्डर को, जो हुआ था 8 फरवरी 2024 के ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये सिमेट्री यहाँ नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे हमको काफ़ी तकलीफ़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, विच इज़ नाउ द SLP विच वॉज फाइल्ड बाय द सोसाइटी इज़ डिसमिस्ड एज विड्रॉन। ये जब अगर 2024 फरवरी में किए तो एक महीने में, मतलब इट वॉज सो फास्ट। यस, दे फाइल्ड SLP सो फास्ट, बट अल्टीमेटली दैट SLP वॉज डिसीजन, इनफैक्ट ये कोर्ट का ही ऑर्डर था, डिसीजन तो था। ऑफकोर्स आप SLP की बात कर रहे हैं, SLP में जनरली क्या होता है, स्पेशल लीव पिटिशन जो होती है, लीव लेनी पड़ती है कोर्ट की। तो जनरली जब SLP फाइल होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो उसको एक्सपीडिशियस बेसिस पे जल्द से जल्द उसको लिस्ट किया जाता है और उसमें सब्सटेंस देखा जाता है। अगर उसमें कुछ सब्सटेंस है, कुछ ग्राउंड्स है, तो SLP अलाउ करती है लीव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज उसको डिसमिस करती है। तो ये जल्दी लिया गया बिकॉज उन्होंने मेंशन भी किया होगा मैटर, ऑब्वियसली सोसाइटी ने, और मैटर मेंशन होने के बाद लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जब आर्गुमेंट्स हुए तो सुप्रीम कोर्ट इंक्लाइन नहीं थी SLP का लीव ग्रांट करने के लिए। अल्टीमेटली जो सोसाइटी के एडवोकेट को विड्रॉ करना पड़ा एंड अल्टीमेटली द SLP वॉज डिसमिस एज विड्रॉ। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट में आए, और वैसे भी हाई कोर्ट में डायरेक्शन क्लियर था कि जो सिमेट्री के लिए, जो रिजर्वेशन के लिए जगह है, उसको एक्सपीडिएट करना है और उसको रिजर्वेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सपीडिएट करके उसको फाइनलाइज कराना है। वो जो प्रक्रिया है सेक्शन 37(1AA) (AA) में पुटअप किया MCGM ने स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही कम टाइम में, नियर अबाउट यू कैन से 5 महीने के अंदर से 6 महीने के अंदर उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया। और उस नोटिफिकेशन का आज इफेक्ट ये है, कॉन्सिक्वेंस ये है कि वहाँ पे जो सिमेट्री की जगह डिलीट कर दी गई थी 14 नवंबर 2022 को, ये किसने करवाया? ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने किया था एक कॉरिजेंडम के थ्रू। इनफैक्ट इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि सितंबर 2022 में सिमेट्री ग्रांट की गई थी, तब भी हमारा PIL पहले फाइल हुआ था, शमशेर अहमद शेख वर्सेज MCGM, PIL नंबर 35 ऑफ 2023। उसके बाद सिमेट्री ग्रांट भी हुई एंड डैट वॉज सितंबर 2022। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बट वी डोंट नो। 2 महीने बाद बिना किसी रीज़न के वही सिमेट्री जो सैंक्शन हुई थी नवंबर 2022 को, सिमेट्री डिलीट हो गई। दैट इज़ वाई ये दूसरा जो PIL है हमारा, फैज़ान गौसो रज़ा ट्रस्ट वर्सेज कॉरपोरेशन, वो हमने फाइल किया 2022 के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए कि ये नहीं किया जा सकता, ये जो कॉरिजेंडम नोटिफिकेशन सिमेट्री को डिलीट करने के लिए किया गया है वो गलत है। और जैसे ही ये लिटिगेशन गया तो उसके बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और माननीय श्री जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और श्री आरिफ डॉक्टर जी ने उसका संज्ञान लेते हुए स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को और कॉरपोरेशन को कि ये जो जगह है, ऑलरेडी ये सिमेट्री थी 1991 में, और इसको डिलीट करने का कोई औचित्य और कोई तर्क ही नहीं बनता था। कोर्ट ने रीज़न नहीं पूछा क्यों डिलीट किया? पूछा क्या? स्टेट गवर्नमेंट ने रीज़न भी फाइल किए, उसके रिप्लाई भी फाइल किए, लेकिन वो मेरा कंटेंशन क्या था? कंटेंशन ऐसा है कि यहाँ पे पब्लिक को जानना तो ज़रूरी है ना, पब्लिक जो हम PIL है। जी हाँ, कंटेंशन ऐसा था शॉर्ट में कि यहाँ पे डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है और यहाँ पे इसीलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन लार्ज ये किया गया है, ऐसे सब जवाब थे। लेकिन हमारा जो ओपिनियन था अदरवाइज था, क्योंकि हमारा ये कहना था कि अगर कोई प्रोजेक्ट XYZ जगह पे है और वहाँ पे 65% का प्रावधान ऑलरेडी है बिल्डिंग बनाने का, तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए हमारा कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं था, वो बिल्डिंग आप बनाइए। लेकिन 35% ऑफ जो लैंड है जो सिमेट्री के लिए छोड़ी जानी चाहिए थी वो छोड़िए, और जो ट्रांजिट कैंप है जहाँ पे बिल्डिंग थी ही नहीं और जहाँ प्रपोजल भी नहीं था SRA का, वो हमको लैंड दी जाए। और वही हमारा कंटेंशन राइट फ्रॉम डे वन है और आज भी हमारा वही कंटेंशन है। यानी अभी मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करता हूँ, ये तो लॉ पंच की बात हो गई, जो लॉ वाले हैं वो सब देखेंगे। एक आम आदमी की तरह से बात करता हूँ कि देवनार कब्रिस्तान के बाजू वाली जो लैंड थी जिसको गवर्नमेंट ने रिजर्व रखी थी सेमेट्री के लिए, उसमें से अभी कितने परसेंट जो है ये अलाउड हुई? 35%। देखिए वहाँ जो रिजर्वेशन जो थी 99,800 की थी, आज हमको लगभग 60% लैंड है। जो ओरिजिनल रिजर्वेशन था 9,800 स्क्वायर मीटर था, उसमें से हमको 5,242 स्क्वायर मीटर की लैंड सिमेट्री के लिए अलॉट होगी, उनके लिए ही अलॉट होगी। इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अभी हमारी जो आगे की जो प्रक्रिया है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद लैंड अलॉटमेंट के बाद वहाँ पे जो डिमार्केशन है, प्लस वहाँ पे जो डेब्रिस वगैरह पड़ी हुई है कॉरपोरेशन के लैंड में, और प्लस जहाँ वहाँ पे जो कुछ स्लम डेलर्स हैं जो SRA स्कीम में जो अभी भी ऑक्यूपेंट हैं, उनको हटा करके लैंड हम लोग
लेने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है इसके लिए 2-3 महीने का जो समय है उतना जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन अगर इसमें अच्छी तरह स्टेप्स लेती है तो और जल्दी भी हो सकता है। जी मैं आपको बता दें, जिसकी बात हो रही है वो एक मुस्लिम एमएलए का एरिया आता है, अबू हाशिम आजमी जी का, मानकुड इलाके में। उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देवनार कब्रस्तान का जो ये सब चला, ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है। अब इसमें किसका क्या रोल है पता नहीं, मगर फिलहाल हाईकोर्ट की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक बहुत बड़ा तबका जो है लैंड का, जो एक बिल्डर लेने के चक्कर में था, इन हैंड ग्लोव इज एवरीबडी, वो लेने के चक्कर में जो था वो जो है कोर्ट ने अभी देना, इट वॉज अ नोटिफिकेशन इशू किया है। अब देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट इसका क्या रिस्पॉन्स देती है, क्या देती है। स्टेट गवर्नमेंट का इनफैक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे लगता है, ये डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं है ना कि आप इसको ये करो? नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट का जो काम होता है नोटिफिकेशन का होता है। जो सिमेट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इम्प्रूवमेंट है और सिमेट्री को ब्यूटिफिकेशन करना है, या वहाँ पे सॉइल का काम है, फेंसिंग का काम है, ये सब कॉरपोरेशन का काम है। कोई ऐसा चांस है कि बाद में गवर्नमेंट जो है बैक ऑफ हो जाए? देखिए, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर्स के द्वारा दिया गया है नोटिफिकेशन, और क्योंकि उनके छत्रछाया में और उनके डायरेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन साथ में मिलकर के उन्होंने काम किया है और ये नोटिफिकेशन जारी किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, बट इट इज़ द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच।